पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। भारत नेपाल समन्वय समिति बैठक में सुस्ता भूमि विवाद पर चर्चा, अपराधियों पर अंकुश के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर, चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद जरूरी। भारत नेपाल सीमा पर स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक में सुस्ता विवाद सहित सीमा से जुड़े विभिन्न विवादों और सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। शुभारंभ के पहले नेपाल के पर्सा जिला के जिलाधिकारी दिनेश भूषाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और नेपाल के शीर्ष अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। सीमा विवादों के समाधान, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रणनीतियों पर गंभीर विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि समन्वय को और सशक्त बनाकर आपसी सहयोग बढ़ाया जाएगा ताकि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। सुस्ता भूमि विवाद पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। बैठक के केंद्र में सुस्ता भूमि विवाद रहा, जिसे दोनों देशों के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक माना जाता है। दोनों पक्षों ने विवादित सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार के तनाव को टालने के लिए आपसी संवाद बढ़ाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की कि सीमा विवादों का समाधान केवल शांतिपूर्ण बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है। नियमित बैठकों और अस्थायी संवाद तंत्र के माध्यम से विवादों को हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर भी सहमति बनी। सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर चर्चा। बैठक में सीमा सुरक्षा को और प्रभावी बनाने और गंभीर अपराधों पर नियंत्रण के लिए व्यापक विचार विमर्श किया गया। जाली करेंसी, मानव तस्करी, बाल विवाह और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमाओं पर संगत चेकिंग, गश्ती और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया। यह तय किया गया कि दोनों देशों के सुरक्षा पर बल आपसी समन्वय से कार्य करेंगे ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। मद्य निषेध कानून पर नेपाल के सहयोग की सराहना। बिहार में लागू मद्य निषेध कानून के प्रभावी बनाने में नेपाल द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए दोनों पक्षों ने इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। इस महत्वपूर्ण बैठक में नेपाल की ओर से पर्सा जिला के जिलाधिकारी दिनेश भूषाल, एसपी कुमुद डुंगल, वन अधिकारी मंजूर अहमद, नवलपरासी जिला के जिलाधिकारी एस श्रेष्ठ, बारा जिला के प्रहरी अधिकारी प्रकाश सापकोटा और एपीएफ एसपी संतोष सिंह शामिल हुए। वही भारत की ओर से पश्चिम चंपारण के डीएम दिनेश कुमार राय, पूर्वी चंपारण के डीएम सौरभ जोरवाल, बेतिया एसपी शौर्य सुमन, मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात, बागा एसपी सुशांत कुमार सरोज और बागा एसडीएम गौरव कुमार ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त एसएसबी 21वीं बटालियन के उप कमांडेंट एमटी मेरन भी बैठक में उपस्थित रहे। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर संवाद जरूरी। बैठक के अंत में दोनों देशों के अधिकारियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सीमा विवादों का समाधान और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर संवाद और समन्वय को बढ़ाना अनिवार्य है। यह भी तय हुआ कि भविष्य में ऐसी बैठकों को और नियमित किया जाएगा ताकि आपसी विश्वास बढ़े और सीमा क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। सुस्ता विवाद जैसे लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में ठोस प्रयास करने का संकल्प लेते हुए दोनों देशों ने आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भरोसा जताया।